हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू न्यू वीडियो। बेसिकली आज हम बात करेंगे मोबाइल के कुछ ऐसे चीज़ जो कि आपके मोबाइल का जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर देंगे और आप मोबाइल की मदद से बहुत सारे चीज़ वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है आज के टाइम में हम मोबाइल को दो तरीके से यूज़ करते हैं। आइदर वो हमारा पढ़ाई या फिर जो भी हम फोकस कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्ट करता है, राइट। और दूसरा जो है वो बेसिकली हमें टाइम पास करने में हेल्प करता है। इतना ही बस आज के लिए हम मोबाइल को यूज़ करने मतलब कि यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल में हम इन दोनों में ही लगे रहते हैं। तो बेसिकली उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। आपको कुछ चीज़ें वगैरह जो मैं बोलूँगा अभी उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करिएगा ज़रूर और वीडियो को मतलब कि लास्ट तक देखिए। बीच में कहीं पर भी अगर आप मतलब कि वीडियो को छोड़ देते हैं तो आप कंप्लीट का जो नॉलेज होता है वो पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली मोबाइल को जो यूज़ करना है हमें पता नहीं होता कि कितना टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम हम मोबाइल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन कौन से ऐप्स में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ ज़्यादातर हमें पता नहीं रहता है। जिसके बदौलत हमको क्या मिलता है कि हम एट लास्ट हमें पता नहीं चल पाता है कि हम मोबाइल को प्रोडक्टिविटी वे में यूज़ कर रहे हैं आज, या फिर हमने कुछ गलत वगैरह जैसे कि मिसयूज़ उसको किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी सब नया फ़ोन्स वगैरह रहते हैं मतलब कि आज के जो नए जनरेशन के फ़ोन सब मतलब कि मोबाइल फ़ोन सब क्रिएट किए गए हैं, वहाँ पर एक डिजिटल वेलबींग्स का एप्लीकेशन रहता है या फिर एक सेटिंग रहता है, आप मान सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं उसको। आपको सिर्फ करना क्या है कि सेटिंग में जाना है, सेटिंग के बाद वहाँ पर आपको डिजिटल वेलबींग्स टाइप करके सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद आपको एक सेटिंग मिलेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मोबाइल को कितने बार ओपन किए हुए हैं, कौन कौन से ऐप में आप कितने घंटे मतलब कि वेस्ट किए हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ से कि आपके जो पर्टिकुलर मंथली वीकली आप कितने टाइम मोबाइल में मतलब कि देते हैं, ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली डिजिटल वेलबींग्स कलेक्ट करके रखता है। तो आप उसको एक एडवांटेजेस की तरह रख सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको। और साथ ही साथ वहाँ पर एक ऑप्शन भी रहता है कि आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ या फिर यूट्यूब यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं मतलब कि दिन भर में यूट्यूब एक ही घंटा यूज़ करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन जब हम ऐसे कुछ कमिटमेंट कर देते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशन के अलावा, तो क्या होता है कि हम एक घंटे के मतलब कि बाद कब चला जाता है हमें पता नहीं चलता, राइट। तो उसके लिए सिंपली हम डिजिटल वेलबींग्स का ही मदद ले सकते हैं। उसके अंदर एक ऐप्स का जो सिनेरियो होता है वहाँ पर है एक मेकानिज़म है। अगर आपको डिटेल्स में चाहिए उसके लिए कुछ तो आप कमेंट में बता सकते हैं डिटेल्स में, अगर उसके लिए कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह चाहिए, क्योंकि अभी मैं मोबाइल में कर रहा हूँ इसीलिए रिकॉर्डिंग का जो साइड में ऐसे स्क्रीन वगैरह जो रखते हैं वो शायद ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला हुआ था कि मेरा जो लैपटॉप वगैरह है वो अभी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, तो एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बेसिकली रॉ वीडियो है, जो भी मैं ले रहा हूँ रॉ वीडियो है, जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आते हैं डिजिटल वेलबींग्स में। डिजिटल वेलबींग्स एक ऐसा सेटिंग है, हम बोल सकते हैं ऐसा ऐप है या फिर ऐसा बेसिकली फॉर्मेट है जो कि आज के मोबाइल्स में अवेलेबल रहता है डिजिटल वेलबींग्स करके, जहाँ पर कि आप हर दिन का कितना टाइम आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन, उसका सारा का सारा जानकारी पा सकते हैं। कौन से ऐप्स में आप कितने टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ वहाँ पर एक टाइमर का भी ऑप्शन रहता है, जो मैं लास्ट में बता रहा था कि जो भी ऐप को आप जितने भी टाइम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक मतलब कि 1 आवर सेट किया या फिर हाफ एन आवर में यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप उसी पर्टिकुलर ऐप को 1 आवर या फिर हाफ एन आवर करके वहाँ पर एक टाइमर दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप वो वाला ऐप मतलब कि दूसरे दिन यूज़ करते हैं तो कम्प्लीटली 1 आवर के बाद वो जो पर्टिकुलर ऐप है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। वो आपको पर्टिकुलरली स्टॉप करके आपको बंद करके दिखा देगा और आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसका लिमिट वगैरह बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे आप क्या हो सकते हैं कि अवेयर हो सकते हैं कि नहीं, मैं इसका एक घंटा मतलब कि जो इस्तेमाल होता है वो मैंने कर चुका है ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप कुछ रूल्स वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
और अगर आप पेरेंट्स वगैरह हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी आपके जो पर्टिकुलर बच्चे या फिर आप जिसे भी मोबाइल दे रहे हैं, आप उनका भी चेक कर सकते हैं। डिजिटल वेलबिंग्स, डिजिटल वेलबिंग्स का जो रिकॉर्ड होता है उसको क्लियर बेसिकली नहीं किया जा सकता, ऐसे नॉर्मल वे में उसको क्लियर किया नहीं जा सकता। हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग ही सेटिंग वगैरह रहते हैं, अलग ही कुछ ऑप्शंस वगैरह रहते हैं, तो जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा, अगर आप कमेंट में बताते हैं तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप अगर कोई पेरेंट्स वगैरह हैं तो आप चाहे तो डिजिटल वेलबींग्स जो ऑप्शन है उसमें जा के सेटिंग में देख सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो कौन कौन से एप्लीकेशन में कितने कितने टाइम एक्सपीरियंस किया हुआ है, और उसने मोबाइल आज कितने टाइम तक यूज़ किया गया है, मतलब कि उसने किया हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही प्रोडक्टिव वे है, और यहाँ से बहुत सारा प्रोडक्टिव चीज़ निकल सकते हैं। आप इसको ज़रूर चेक करिए, और अगर इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो आपको पता था तो फिर कमेंट करिए, और पता नहीं था और कुछ यहाँ से अगर आपने नया सीखा हो तो फिर लाइक करिए। थैंक यू।